Assalamu alaikum. Now, in this video, we are going to read about Persians and Greeks. We have read about Aryans and their caste system, their religion, their language, etc. Now, there is a brief history of Persians. Persian, modern-day Iran. Persian is actually modern-day Iran, became a warlike nation in the 6th century. They captured a huge empire which stretched from Greece and Egypt in the west to the northwestern India. So the empire of Persians was very, very large because they were a warlike nation. They were fierce. They knew how to fight battles. So they conquered a large area, and see, this whole yellow color shows the Persian Empire, and from the Egypt and Greece up till like India in the northwest, it was their empire. Nowadays it's like divided into this whole is Asian continent, and here it's the European continent, and some of the African continent is also here. So you can imagine how great their empire was. उन्होंने कितना बड़ा एरिया जो है वो उसको कॉन्कर कर लिया था पर्शियंस ने, बिकॉज दे न्यू हाउ टू फाइट. सो दैट इज वाई. एंड दे कॉन्कर्ड द गंधारा किंगडम एंड मेड देयर कैपिटल इन सब कॉन्टिनेंट एट टेक्सला. टेक्सला कहाँ है आजकल? इट्स इन पाकिस्तान. सो दे कॉन्कर्ड गंधारा किंगडम. उस वक्त जो गंधारा सिविलाइजेशन थी उसको भी इन्होंने कॉन्कर किया, एंड दे मेड टेक्सला देयर कैपिटल, विच लेटर बिकेम अ ग्रेट सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग. टेक्सला के बारे में हम बहुत दफ़ा सुन भी चुके हैं, एंड वी हैड बीन टू टेक्सला ऑल्सो, टेक्सला म्यूजियम इफ यू रिमेम्बर. एंड वी हैड इसमें वहां पर जाकर आपको फील होता है कि टेक्सला में आर्ट एंड आर्किटेक्चर किस लेवल पर था. एट दैट टाइम दे यूज टू मेक पॉटरी, दे यूज टू मेक यूटेंसल्स आउट ऑफ मेटल्स, इवन वो कॉइन्स भी बना लिया करते थे मेटल्स के. एंड दे यूज टू बिल्ड हाउसेस और प्रॉपर प्लान सिस्टम. यू कैन सी लाइक एक वन ऑफ द पिक्चर्स दे हैव गिवन हियर, सम रुइंस ऑफ एंशियंट टेक्सा द कैपिटल ऑफ सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पर्शियन एम्पायर. तो यू कैन सी हाउ प्लान्ड द सिटी वॉज. ये तो एक छोटा सा एरिया है, वरना अगर आप रुइंस में जाएं, जो सिरकप के रुइंस हैं, टेक्सला के रुइंस हैं, यू विल कम टू नो कि ये कितने ऑर्गेनाइज लोग थे एंड इन व्हाट एन ऑर्गेनाइज मैनर दे हैड बिल्ड देयर हाउसेज एंड स्ट्रीट्स. और इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट इन फ्यूचर. वैसे शुरू में भी आपने थोड़ा बहुत जो गंधारा सिविलाइजेशन पे पढ़ा है, तो ये केम टू नो कि वो कितनी अच्छी उन्होंने स्ट्रीट्स बिल्ड की थी, वो रुइंस कितने जबरदस्त थे उनके. द पर्शियंस ब्रॉट इम्पॉर्टेंट न्यू आइडियाज. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट पर्शियंस कि उन्होंने सिर्फ बैटल्स फाइट नहीं की, दे ब्रॉट अबाउट मेनी न्यू आइडियाज ऑफ लिविंग, हाउ टू यूज मनी एंड न्यू वेज ऑफ बिल्डिंग. बिफोर देम नो वन वॉज यूजिंग करेंसी. उससे पहले क्या होता था, इफ यू वॉन्ट टू बाय समथिंग, तो आपके पास जो चीज होती थी उसको देकर आप एक्सचेंजिंग कर लेते थे. ठीक है, अगर आपको फूड चाहिए होता था और आपके पास कुछ ऐसी चीज होती थी विच दी अदर पर्सन नीडेड, तो आप उसको देकर उससे फूड बाय कर लेते थे. देयर वॉज नो करेंसी एट ऑल. बट पर्शियंस ने हमें बताया कि हाउ टू यूज मनी एंड न्यू डेज ऑफ न्यू एंड देन न्यू वेज ऑफ बिल्डिंग एज वेल. उन्होंने हाउसेज बिल्ड करना स्टार्ट किए, और उन्होंने बताया कि किस तरह एक प्रॉपर वे ऑफ लिविंग जो होती है ना, वो किस तरह होती है. दे ऑल्सो लर्न फ्रॉम आरियंस अबाउट मेडिसिन. आरियंस से उन्होंने मेडिसिन के बारे में, जिस तरह आरियंस एंड ड्रेवेडियंस से फार्मिंग के बारे में सीखा था, देन दे पर्शियंस लर्न फ्रॉम आरियंस अबाउट मेडिसिन एंड हाउ टू मेक गुड स्टील, विच वॉज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एंड कुड बी मेड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज. उन्होंने सीखा कि स्टील कैसे बनाई जाती है, एंड स्टील वॉज वेरी एक्सपेंसिव एट दैट टाइम, ओनली रिच पीपल वर एबल टू बाय इट. और वो किस लिए यूज होती थी? इट वॉज यूज फॉर मेकिंग वेपन्स. स्टील वॉज यूज मेनली बाय द रिच फॉर मैन्युफैक्चरिंग बेटर वेपन्स, क्योंकि वॉर्स जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थी उनकी जो डेली लाइफ है, बिकॉज दे वर ऑलवेज इन अ डेंजर ऑफ गेटिंग अटैक्ड बाय अनदर नेशन. तो इसलिए उनको अपने आप को बड़ा वेल अप टू डेट रखना पड़ता था, बड़ा अपने वेपन्स को अप टू डेट रखना पड़ता था, सो दैट इन केस एनीबडी अटैक्स देम दे शुड बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर इट. स्टील वॉज यूज मेनली बाय, ओके, द पर्शियंस ऑल्सो मेड गुड इरीगेशन स्कीम्स इन इंडस वैली. इन्होंने प्रॉपर इरीगेशन सिस्टम्स बनाए. इरीगेशन क्या होता है बेटे? इरीगेशन इज द सिस्टम ऑफ वाटर, सिस्टम ऑफ गिविंग वाटर टू द क्रॉप्स और द फील्ड्स. एंड सिमिलरली इसी तरह ही आपका जो
जो ड्रेनेज का सिस्टम होता है वो भी इसी से ही रिलेट करता है, बट मेनली इरिगेशन जो है वो गिविंग वाटर टू द क्रॉप्स, तो जिसकी वजह से उनकी वो फार्मिंग जो है या एग्रीकल्चर जो है वो फ्लरिश हुआ. हाउ एवर लाइक द एम्पायर्स बिफोर देम, दे टू ग्रू वीक आफ्टर सम ईयर्स इन पावर. कुछ ईयर्स के बाद ये भी वीक होना स्टार्ट हो गए थे, एंड देन द अदर नेशन स्वाइप देम, एंड दैट वॉज ग्रीक्स. ओके, बिफोर गोइंग टू ग्रीक्स, लेट्स डू द क्वेश्चंस फॉर पर्शियंस. डिस्क्राइब, आई होप यू ऑल कैन सी इट, डिस्क्राइब सम न्यू आइडियाज और इन्वेंशंस ब्रॉड बाय पर्शियंस. हमने पर्शियंस के बारे में क्या राइट करना है? द न्यू आइडियाज ब्रॉड बाय देम, एंड यू हैव रेड वेरी प्रॉपर्ली अबाउट इट, दैट द पर्शियंस ब्रॉड अबाउट मेनी न्यू आइडियाज लाइक हाउ टू यूज मनी, न्यू वेज ऑफ बिल्डिंग, medicines, how to make good steel, good irrigation schemes. So there are so many important ideas which they brought about in the society. We can write about them in a very brief way. There is no need to write in an elaborate way. Okay, coming to Greece. Here I have some pictures of battles of Persians. These are Persian soldiers. These are Persian soldiers, right? And these are Greek soldiers. So we are going to read about them. They were also very fierce and warlike nation, aur bahut hi well developed war skills thi inke paas. But see the difference between the soldiers of the two nations. Their dresses were different, and now see the weapons. Gee, Greeks ke paas weapons check kare, and inke weapons check kare. They had just a spear. Kisi ek ke paas sword hai, kisi ek ke paas shield hai. But inke jo soldiers hain, they are well equipped with spears, with shields. Even ke yahan par inke paas wo chote chote wo bhi pade honge, spears bhi pade honge. Aur bahut, see the armors that they are wearing. Inke armors aap check kare, inki helmets check kare aap. So they were more advanced than the Persian soldiers. So इसीलिए Persians को इन्होंने defeat कर दिया था. Okay, another question for Persia is, describe the extent of Persian Empire. Describe the extent of a Persian Empire. That means that from where did the Persian Empire started and till where it was stretched. So the answer is here. Persian was okay. They Persians captured a huge empire which stretched from Greece and Egypt in the west to the northwestern in the west to the northwestern India, from here till here. Okay, from Greece and Egypt in the west to the northwestern India. This was the extent of Persian Empire. So let's now go to Greece. The Greeks. Who were the Greeks? Alexander and the Greeks. You know who was Alexander? Urdu mein Sikandar-e-Azam. Alexander was Sikandar-e-Azam. You must have heard the name. In the west, another new power was building up in northern Greece, and Alexander became king of Macedon when his father Philip was murdered in 336 BCE. Okay, long before Hazrat Isa alayhi salam was born. He was only 20 years old, but had already shown himself to be a brilliant soldier and leader. Alexander was also well educated, as his father had groomed him thoroughly for his kingship. You know who was the tutor of Aristotle? Because he was the son of a king. तो किंग के जो प्रिंस होते थे, दे डिडंट गो टू अ स्कूल एट दैट टाइम, या जो भी उनकी प्लेस होती थी. इंस्टेड टीचर्स केम टू एजुकेट देम एट द पैलेस. तो प्रिंस और प्रिंसेसेस के लिए दे यूज टू कीप स्पेशल टीचर्स जो कि उनको ग्रूम करते थे फॉर द किंगशिप, स्पेशली फॉर द प्रिंस. सो हिज ट्यूटर वॉज द ग्रेट फिलोसफर एरिस्टोटल. अरिस्टू का नाम आपने सुना होगा. एरिस्टोटल वॉज हिज ट्यूटर, एंड ही हैड अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी एलेक्जेंडर की. ही वॉज वेरी मच स्किल्ड जस्ट लाइक हिज फादर. ही वॉज वेरी ब्रेव और ब्रिलियंट सोल्जर था, लीडर था. ही न्यू हाउ टू फाइट वॉर्स, और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज थी उसके पास न्यू फॉर डूइंग वॉर्स. और एजुकेटेड भी था, बिकॉज हिज फादर हैड hired a very good teacher for him.
तो इस तरह उसकी पर्सनैलिटी, ही हैड अ ग्रेट पर्सनैलिटी. सो वेन ही वॉज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड हिज फादर वॉज असैसिनेटेड, किल कर दिया था उसके फादर को उसके अपने ही किसी ऑफिसर ने, एंड ही बिकेम द किंग. दो ही वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, लेकिन उसने बहुत अच्छी तरह से आकर अपनी किंगडम को लुक आफ्टर किया, बल्कि उसको एक्सपेंड भी किया, राइट. When Alexander died 13 years later, he had conquered all of the Persian Empire from Egypt to what is now Pakistan. तो ये वो सारी किंगडम है दैट पर्शियंस हैड, और उसने पर्शियन से ये सब कॉन्कर वो कर चुका था. एंड ही वॉज अबाउट टू गो टू कॉन्कर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जब उसकी डेथ हो गई आफ्टर 13 ईयर्स, विच मीन्स दैट ही वॉज ओनली 33 ईयर्स ओल्ड वेन ही डाइड इन अ ग्रेट बैटल ऑन द रिवर जेहलम. अब उसी में एक ग्रेट बैटल हुई थी इसकी रिवर जेहलम पर विद द किंग ऑफ पंजाब. द नेम ऑफ दैट किंग वॉज पोरस. ही डिफीटेड पोरस द किंग ऑफ द पंजाब. पोरस वॉज कैप्चर्ड एंड टेकन टू अलेक्जेंडर हु सो एडमायर्ड द किंग्स ब्रेवरी दैट ही रिलीज्ड हिम एंड रिटर्न्ड हिज किंगडम. उसने इस तरह जब पोरस को चेन्स में लाया गया अलेक्जेंडर के सामने, बिकॉज अलेक्जेंडर हैड डिफीटेड हिम, देन अलेक्जेंडर आस्क्ड हिम, ये बहुत वेल नोन एक स्टोरी है, व्हेन अलेक्जेंडर आस्क्ड हिम दैट हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड, तो आपको पता है उसने क्या आंसर दिया. पोरस ने आंसर दिया, लाइक वन किंग ट्रीट्स अनदर किंग. सो दिस वॉज द आंसर गिवन बाय पोरस. And Alexander was so impressed by this answer that he not only forgave him, he returned all his kingdom to him and he made him the king of that kingdom again. क्योंकि वो तो defeat कर चुका था, so it was now Alexander's rule there. Okay, look at this picture. This is about the soldiers, the Greek soldiers who were fighting with the soldiers of Punjab. And here you can see the Greeks fight Porus near Jhelum. Alexander's men had never seen war elephants. उन्होंने war elephants कभी भी नहीं देखे थे. तो this was the first time they had seen elephants. अब obviously when two different nations come together or come in front of each other, they definitely they have different things. जिस तरह they have never seen elephants before. इस तरह इन्होंने भी जो war strategies Greeks were having, they would not have seen them before. So they always discovered new things when they come across each other. Alexander's men had never seen war elephants before and were terrified. They were terrified to see them. Elephants were the tanks of the ancient world. Obviously, they were the biggest animal on earth. So the Indian soldiers had elephants with them. They were sitting on them. And at first, they didn't know what to do because they had seen elephants for the first time. But then they came to know what to do with it. The men stood in a closely packed group. The Greeks used to, they had a special war strategy, jisko hum kehte the phalanx. What is that word? Phalanx. Phalanx ek badi special war strategy thi, jisme they used to stand together. Jo soldiers the, wo is form mein khade hote the. They used to stand in the form of a rectangular block or a square block. ठीक है, just imagine a block of soldiers, a whole group of soldiers who are standing like this in rectangular form, and they had their spears. और इनमें क्या होता था, they were soldiers standing here as well. This was a whole group which was standing. ठीक है, अब these were also having spears and they were also having spears. So in that way they used to stand, ke inke jo spears the they were at 45 degrees and they were at you know a higher degree, so nobody can defeat them. Isi tarah ye from every angle they were standing like this. Jo back se spears the wo upar se aa rahe the, and those who were sitting here, जो फ्रंट पे सोल्जर्स थे, दे यूज टू सिट, दे वर स्टैंडिंग. सो इन दिस वे दे यूज टू फाइट. तो बिल्कुल एक अनबीटेबल सा ये ब्लॉक हो जाता था इनका. एंड दिस स्ट्रैटेजी वॉज कॉल्ड फैलिंग्स. इसको कहते थे फैलिंग्स. सो व्हाट डिड दे यूज टू डू, उन्होंने क्या किया एलिफेंट्स के साथ.
द मेन स्टूड इन अ क्लोजली पैक ग्रुप विद अ 5 to 6 meters लॉन्ग स्पेयर्स. दे पुट वन एंड ऑफ द स्पेयर ऑन द ग्राउंड. जो बैक साइड थी स्पेयर की, जो जिस स्टिक के साथ इट वॉज माउंटेड, वो द बैक ऑफ द स्टिक वॉज विद डैम. अपने फुट के पास उसको रखते थे एंड हेल्ड इन प्लेस बाय देयर फीट. द शार्प एंड वॉज हेल्ड आउट इन फ्रंट. वो स्पेयर का शार्प जो एंड था, जैसे इनका है, ये स्पेयर का बाहर होता था. The elephants could not gear near the soldiers without running into the spears. Up elephants, how can they come to the soldiers without running into their spears? Because spears were in front of them. Other soldiers rushed up with daggers. Daggers are small spears. जो चाकू या नाइफ छोटी सी होती है ना, उनको डैगर्स कहते हैं. एंड कट द एचुअल टेंडन ऑफ द एलिफेंट सो दैट देयर लेग्स कोलैप्स. अच्छा जी, लेग के पास एक ऐसी उनकी नर्व थी जिसको दे केम टू नो कि अगर हम उसको कट कर दें तो दे विल नॉट कीप देयर बैलेंस और वो गिर जाएंगे. सो वेन दे वर होल्डिंग द एलिफेंट्स बैक विद देयर स्पेयर्स, यहां से कुछ और सोल्जर्स अपने डैगर्स के साथ दे यूज टू गो देयर एंड दे कट देयर एचाइल्ड टेंडन, जिससे वो उनके लेग्स का बैलेंस खत्म हो जाता था. एंड दे यूज टू फॉल डाउन, द एलिफेंट्स यूज टू फॉल डाउन. इन दिस वे दे डिफीटेड द आर्मी ऑफ किंग पोरस, जिसमें एलिफेंट्स भी थे. दैट वॉज अ ह्यूज आर्मी एंड दैट वॉज अ ह्यूज विक्ट्री. तो ग्रीक सोल्जर्स ने उनके लिए भी दे थॉट ऑफ प्लान एंड दे प्लान्ड इट वेरी वेल. ओके, सो आई हैव अपलोडेड अ वीडियो अबाउट दिस फैलिंग्स स्ट्रेटजी ऑफ ग्रीक सोल्जर्स. यू मस्ट वॉच इट. ठीक है, इट विल इंक्रीज योर जनरल नॉलेज. Now Alexander now wanted to march eastward to what was believed to be the edge of the world. His soldiers, however, thousands of kilometers from their homes in Greece, refused to obey for the first time. अब क्या हुआ अलेक्जेंडर के साथ? अलेक्जेंडर ने जब यहां पंजाब तक सारा विन कर लिया, नाउ ही वॉन्टेड टू मूव ईस्टवर्ड टू वट वॉज बिलीव टू बी द एज ऑफ द वर्ल्ड. अब वो उससे भी आगे जाना चाहता था. ही वॉन्टेड टू कॉन्कर मोर. यू नो, ये तो एक ग्रीड होती है, जिस तरह मनी की ग्रीड होती है ना, इसी तरह कॉन्कर करने की भी, एरियाज को, अपने एम्पायर को इंक्रीज करने की भी एक ग्रीड होती है. एंड वंस यू हैव दिस टेस्ट विद यू, यू वॉन्ट टू इंक्रीज इट, यू वॉन्ट टू हैव इट अगेन एंड अगेन. तो अलेक्जेंडर का भी यही एक एम्बिशन था कि आई वॉन्ट टू रूल द वर्ल्ड. तो वो उससे पूरी दुनिया पर रूल करना चाहता था. एंड यू नो वॉट, ही इवन स्टार्टेड सेइंग टू पीपल ऑफ डिफरेंट नेशंस टू बाउ अगेंस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम. सी, ही वॉन्टेड टू बिकम अ गॉड. ही वॉन्टेड पीपल टू वर्शिप हिम. वो चाहता था लोग उसको, उसकी पूजा करना स्टार्ट कर दें, उसको गॉड बना लें, बिकॉज ही हैज कॉन्क्वर्ड द वर्ल्ड. लेकिन क्या हुआ? हिज सोल्जर्स हाउएवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम देयर होम्स इन ग्रीस रिफ्यूज टू ओबे हिम फॉर द फर्स्ट टाइम. उसके सोल्जर्स ने कहा नो फॉर द फर्स्ट टाइम. दे सेड बिकॉज दे वर सो टायर्ड ऑफ फाइटिंग कंटिन्यूसली, दे सेड नो एंड दे वॉन्टेड, बिकॉज दे वॉन्टेड टू गो बैक टू देयर होम्स. Alexander was forced to go back to Persia. Usko wapas Persia aana pada, half his army crossing the terrible Makran desert and the other half going by sea. Kuch sea ke through aur kuch Makran desert ko cross karke uske saath aaye, jisme thousands of soldiers also died. Because you cannot imagine that they did not have any facilities at that time. To jo bhi weather conditions thi, chahe it was raining or it was a desert, hot climate, और क्या क्या उनको खुद से bear करना पड़ता था, and they had to go on moving. तो ये that was a very difficult task. When back in Persia, Alexander began to make fresh plans. Alexander ने और planning करना start की कि अब उसने बाकी भी edges जो है ना world के वो conquer करने हैं. But then he fell sick and died at the age of 33. But क्या हुआ? लोग कहते हैं कि उसको प्लेग हो गया था, ताउन हो गया था, एंड ही हैड फीवर एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 33. हिज ग्रेट एम्पायर ब्रोक इन टू 3 parts. और उसकी इतनी बड़ी एम्पायर जो है, इट ब्रोक आफ्टर हिज डेथ इन टू 3 parts, ईच रूल्ड बाय वन ऑफ हिज जनरल्स. उसके जनरल्स ने आपस में डिवाइड कर लिए उसके एम्पायर. सो यू नो, यू हैव कम टू अ कंक्लूजन कि चाहे आप पूरी दुनिया को कॉन्कर कर लें, वेन यू आर गोइंग टू लीव दिस वर्ल्ड, यू विल गो विद नथिंग इन योर हैंड्स एंड यू हैव टू डाई वन डे. सो यू शुड रिमेंबर दैट आई हैव टू डाई, सो आई शुड नॉट बी दैट एम्बिशियस. जी, हेयर आई हैव सम पिक्चर्स. दिस इज द पिक्चर ऑफ द बैटल ऑफ सोल्जर्स ऑफ अलेक्जेंडर विद किंग पोरस. दिस इज द बैटल. सी, द एलिफेंट्स आर हियर. And the spears, the soldiers have shields and spears with which they are hitting them. This is the tutor
एरिस्टोटल, दिस इज द ट्यूटर ऑफ एलेक्जेंडर एरिस्टोटल, दिस इज एलेक्जेंडर द ग्रेट. अ ह्यूज स्टैच्यू ऑफ एलेक्जेंडर, जियोस इस एलेक्जेंडर को ही कहते थे. कंपेयर, ओके, दिस इज एलेक्जेंडर द ग्रेट सिटिंग ऑन हिज थ्रोन. एंड यू नो ग्रीक्स जो हैं वो बहुत बहुत ही ज्यादा एक सिविलाइज नेशन थी. सो दे यूज टू बिल्ड, आप देखें कि इनकी जो बिल्डिंग्स हैं जो इन्होंने बिल्ड की थी, इवन नाउ दे आर हेयर. वो ग्रीक एंशियंट आर्किटेक्चर वो सब अभी भी उसी तरह वहां पर है. यू कैन सी देम, देयर मार्क्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. इनकी पेंटिंग्स हैं ग्रीक्स की. दीज आर द सिटीज दे यूज टू बिल्ड. आप इन सिटीज की प्लानिंग देखें, उसकी बिल्डिंग देखें, उसका आर्किटेक्चर आप चेक करो. दिस इज, दीज आर द पॉट्स दैट दे यूज टू मेक. सी द पेंटिंग्स, द ड्रॉइंग्स ऑन इट, कितना डेलिकेट वर्क है. और किस तरह उन्होंने, उनके पास वो फैसिलिटीज भी नहीं थी जो हमारे पास हैं, बट दे वर मेकिंग इट. सी दीज आर द पिक्चर्स फ्रॉम द ओल्ड स्टोरीज, जो ग्रीक मिथ्स हैं, स्टोरीज हैं, दे आर वेरी पॉपुलर. इनकी बड़ी स्टोरीज और इनके गॉड्स जो हैं उनकी स्टोरीज हैं. दे यूज टू पेंट देम ऑन डिफरेंट थिंग्स. मॉडल ऑफ एक्रोपोलिस, लार्जेस्ट टेम्पल यू कैन सी पार्थेनन का, ये भी ग्रीस का है. एक बहुत बड़ा, एक हिल के ऊपर इन्होंने पूरा एक ये जो है ना ये बनाया हुआ था. और दिस वॉज द पैलेस, द एक पार्लियामेंट थी पूरी इनकी प्रॉपर, जो यहाँ पर इनकी इट यूज टू टेक प्लेस, मीटिंग्स होती थी. इनके जो आर्किटेक्चर हैं आप देखो कि अभी तक जो है हम उसको फॉलो करते हैं. दिस इज सिंध हाई कोर्ट बिल्डिंग इन कराची. एंड जस्ट सी के द वे इट इज मेड. ये आप इसकी सीलिंग देखें, आप इसके पिलर्स देखें, एंड देन यू कैन कंपेयर इट विद एनी बिल्डिंग ऑफ ग्रीस. ये देखें ग्रीस की बिल्डिंग्स जो ये बिल्ड करते थे, दे हैव द सेम आर्किटेक्चर. जो इनकी बिल्डिंग्स थी उसमें यही आर्किटेक्चर यूज हो रहा था जो हम अभी तक इस चीज को फॉलो कर रहे हैं. नाउ कमिंग बैक टू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलेक्जेंडर्स पर्सनैलिटी. सो वी हैव रेड अबाउट हिज पर्सनैलिटी हेयर. हेयर वी हैव एलेक्जेंडर एंड द ग्रीक्स. सो हेयर इट्स रिटन अबाउट हिम. एलेक्जेंडर, though he was only 20 years old, but he has shown himself to be a brilliant, he was a brilliant soldier, he was a leader, he was very skillful. Alexander was also very well educated. This is also an aspect of his personality. And he was very ambitious. He wanted to conquer the world, and almost half of the world he had conquered. Or agar if he would not have died at the age of 33, he would have conquered the whole world. Lekin Allah Ta'ala ne bhi show karna hota hai. कि वट एवर यू बिकम यू आर नॉट ग्रेटर देन हिम. ओके, सो यू कैन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट. जस्ट राइट 4-5 लाइन्स, वट एवर आई हैव टोल्ड यू. एंड इफ यू वॉन्ट टू राइट मोर, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम इंटरनेट देन. अदरवाइज 4-5 लाइन्स आर इनफ. द सेकेंड क्वेश्चन दैट वी हैव इज, वाई डिड एलेक्जेंडर रिटर्न द किंगडम ऑफ पंजाब टू पोरस. Now you have read about Porus and the kingdom that he fought against Alexander. Alexander defeated Porus. Then when he was brought in chains in front of Alexander, Alexander asked him that how should you be treated? And Porus answered, like one king treats another king. And Alexander was so impressed by his bravery and his this praise that he returned his kingdom to him. ठीक है? So, this is written here. Porus was captured and taken to Alexander. He so admired the king's bravery that he released him, and this is the reason. The next question is, why didn't Alexander go further east into India? Why couldn't he go further east? Alexander wanted to march eastward to. Alexander wanted to march eastward to what was believed to be the edge of the world. But what happened? His soldiers, thousands of kilometers from their homes, refused to obey for the first time. So he was forced to go back to Persia. Why couldn't he march towards India? Because his soldiers refused to go because they were very tired and tired of continuous fighting, and they wanted to go back to their homes for taking rest. So he was forced to go back to Persia. Usko wapas jana pada.
व्हाट हैपन टू हिज एम्पायर आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद उसके एम्पायर के साथ क्या हुआ था. आई टोल्ड यू आफ्टर हिज डेथ हिज ग्रेट एम्पायर ब्रोक इनटू थ्री पार्ट्स ईच रूल्ड बाय वन ऑफ हिज जनरल्स. सो दिस इज व्हाट हैपन टू हिम. आई होप दिस चैप्टर इज वेरी क्लियर ऑन यू. इंशाल्लाह सी यू आफ्टर समर वेकेशन इन स्कूल एंड आई होप यू मस्ट हैव डन ऑल द टास्क दैट वी हैव गिवन यू एज थ्रू द वीडियो लेसन. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.